रीडिंग पाली 9 यानी लेसन नंबर 9 पाली पढ़ना सीखें। दरअसल इस पूरे एपिसोड में हम आपको पाली को पढ़ना सिखा रहे हैं और थोड़ा सा इसमें अर्थ बताते हैं। आज का जो ये एपिसोड है इसमें वंदना कैसे होती है, वंदना का क्या मतलब है। दरअसल जब आप किसी को वंदना करते हैं या वंदना किसी बुद्ध की या संघ की या धम्म की, ये बात ध्यान रखना कि धम्म की भी वंदना हो रही है, धम्म कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध की वंदना हो रही है मगर बुद्ध एक उपाधि है, जो व्यक्ति बोधि को प्राप्त लेता है वो बुद्ध हो जाता है, उसका नाम खत्म हो जाता है। कहीं भी आपने बुद्ध सिद्धार्थ गौतम या बुद्ध सिद्धार्थ गौतम नहीं पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध पढ़ा होगा खाली खाली, यानी कि गौतम वाले जो नाम के बुद्ध बने हैं वो है। और फिर आता है संघ की, क्योंकि संघ का कोई नाम नहीं होता, संघ एक समूह होता है पूरा सारे भिक्षुओं का, तो उसकी वंदना है। तो वंदना का मतलब होता है सैल्यूट विद रेस्पेक्ट, यानी कि आप किसी को सैल्यूट कर रहे हैं रेस्पेक्ट के साथ में, डर के नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं बजा रहे हैं, यानी कोई ड्यूटी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है, आप उनकी एजुकेशन को देख के, उनके काम को देख के उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये जो सैल्यूशन होता है किसी चीज का या प्रेज होता है, यानी सैल्यूशन है या प्रेज है या प्रशंसा है, उसको वंदना बोलते हैं कि मैं आपका वंदन करता हूं, आपकी वंदना करता हूं, आपको वंदामी करता हूं। वंदे वंदामी का मतलब है मैं वंदन करता हूं, वंदामी मतलब मैं वंदना करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। तो बुद्ध की वंदना कैसे होती है, धम्म की वंदना कैसे होती है और संघ की वंदना कैसे होती है। दरअसल तीनों ही जो हमारे बुद्ध हैं, क्योंकि जो जा चुके हैं वो, जो आने वाले हैं वो और जो चल रहे हैं वो, तीनों ही संघ हैं, जो संघ जा चुका है, जो संघ चल रहा है और जो संघ आने वाला है, और तीनों ही जो धम्म पहले बताया गया है वो, जो धम्म अभी प्रेजेंट में चल रहा है और जो धम्म आने वाला है वो, तीनों की ही हम यहाँ वंदना करते हैं। कैसे करते हैं, एक को अतीता बोलते हैं यानी अतीत जो पास्ट में चला गया, एक को अनागत बोलते हैं, अनागत का मतलब है अनागत जो अभी आया नहीं है, और एक को बोलते हैं पचुपन्ना, पचुपन्ना का मतलब है जो प्रत्युत्पन्न पैदा हो रहा है यानी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो है, इस तरह से बोलते हैं। और उसके बाद में फिर भगवान बुद्ध ने जो बोधि प्राप्त की है उसको प्रणाम करते हैं। कैसे करते हैं, ये च बुद्धा अतीता च, ये च धम्मा अतीता च, ये च संघा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, ये च धम्मा अनागता, ये च संघा अनागता, पचुपन्ना च ये बुद्धा, पचुपन्ना च ये धम्मा, पचुपन्ना च ये संघा, अहं वंदामि सबदा। इसको अलग अलग तरह से बोलते हैं, अलग अलग तरह से अगर इसको बोलेंगे तो ये सभी के साथ लय में मिल जाएगा। अलग अलग कैसे बोलते हैं इसको, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पचुपन्ना च ये बुद्धा, अहं वंदामि सबदा। ये च, ये का मतलब जो, चे माने और, बुद्धा, बुद्धा का मतलब है बहुत सारे बुद्ध, अगर एक बुद्ध के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे बुद्धो, जैसे मेरा नाम सुधीर है तो अगर एक सुधीर है तो बोलेंगे सुधीरो, और बहुत सारे अगर सुधीर हैं तो बोलेंगे सुधीरा, तो बहुत सारे अगर बुद्ध हैं तो बोलेंगे बुद्धा, और अगर एक बुद्ध है तो बोलेंगे बुद्धो। तो यहां बुद्धा इस्तेमाल कर रहे हैं, धम्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, संघा कर रहे हैं, तीनों का मतलब है कि बहुत सारे जो पुराने और नए जितने संघ हैं या पुराने नए जितने भी धम्म बताए गए हैं वो, और जो पुराने और आने वाले जो भी बुद्ध हैं वो बुद्धा। तो ये चे बुद्धा अतीता चे, चे माने और होता है, यानी कि और जो ये बुद्ध हैं अतीत में यानी कि पहले पास्ट में हैं, जा चुके हैं। ये चे बुद्धा अनागता, ये चे बुद्धा अनागत, यानी कि जो ये और हैं बुद्धा अनागत माने जो अभी तक आए नहीं है यानी कि आने वाले हैं। पचुपन्ना चाहिए बुद्धा, पचुपन्ना मतलब जो प्रति उत्पन्न है यानी जो प्रत्यक्ष रूप में है, जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो जो बुद्ध है सारे वो। अहं वंदामि सबदा, अहं माने मैं, ये अहं शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अहं जो होता है इसी को बाद में अहम संस्कृत भाषा में बोला गया है, हम इसको अहं बोलते हैं पाली में और संस्कृत भाषा में हम इसको अहम बोलते हैं। तो कहते हैं ना तेरे के अंदर बड़ा अहम है, दरअसल ये अहंकार जो बना हुआ है शब्द उससे ही बना हुआ है, अहंकार यानी मैं कार वाला जिसमें मैं बहुत ज्यादा है अहंकार। तो अहं वंदामि सबदा, मैं वंदामि करता हूं, सल्यूट करता हूं उन सभी को जो सारे बुद्ध आ चुके हैं, आएंगे और आने वाले हैं।
ठीक ऐसे ही आता है धम्म के लिए। ये च धम्मा अतीता च, ये च धम्मा अनागता, पचुपन्ना च ये धम्मा, अहं वंदामि सबदा। यानी जितने भी ये धम्म हैं जो पहले थे बताए गए, जितने धम्म हैं जो आने वाले हैं, और जितने धम्म जो प्रति उत्पन्न पैदा हो रहे हैं, अहं वंदामि सबदा, मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, उन सबको मैं प्रेज करता हूँ, उन सबका सैल्यूशन मैं करता हूँ। ये च संघा, अब संघ के लिए भी ऐसा ही बोलेंगे, सिर्फ शब्द बदला है, धम्म है, बुद्ध है और संघ है। ये च संघा अतीता, ये च संघा अनागता, पचुपन्ना च ये संघा, अहं वंदामि सबदा। यानी कि जितने भी संघ जो पहले आए हैं, जो अब चल रहे हैं और जो आएंगे, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं, वंदामि करता हूं, नमन करता हूं, प्रेज करता हूं, उनको मैं पूरी तरह से सैल्यूट करता हूं। यो सन्नी सिन्नो वर बोधि मुले, अब उसको कंक्लूड कर रहे हैं, यो सन्नी सिन्नो वरंग बोधि मुले, यानी यो माने जो, और सन्नी सिन्नो का मतलब है सन्नी निसन्न, सन्नी निसन्न, सन्नी का मतलब है सन्निकट, यानी के समीप में नीचे, और निसन्न माने होता है बैठा हुआ, जो वहां स्थापित है, यानी कि जो नीचे बैठा हुआ है, किसके, वरंग बोधि मुले, वरंग माने होता है श्रेष्ठ को, सबसे अच्छे को, वर जो होता है ना, जैसे कहते हैं मान्यवर, यानी सबसे अच्छा माना हुआ, तो ये हो गया जैसे मुनिवर हो गया, जैसे धम्मवर हो गया, धम्म श्रेष्ठ हो गया, तो वर माने श्रेष्ठ होता है, तो वरंग माने श्रेष्ठ, और कौन है श्रेष्ठ, बोधि मुले, यानी बोधि मुले, बोधि का मतलब है या बोधि वृक्ष है, यानी बोधि रुख है, यानी बोधि का पेड़ है, और मुले माने उसकी जड़ में, यानी कि जो बैठा हुआ है नजदीक नीचे, किसके, बोधि वृक्ष की जड़ में नीचे बैठा हुआ है। मारंग ससेन महतिंग विजेतवा, मारंग ससेनंग, मारंग ससेनंग का मतलब है मार, जो मार है यानी जो सारी बुराइयां हैं, मार और ससेन माने अपने सभी साथियों के साथ जितनी मार की बुराइयां हैं, देवपुत मार दस बुराई के समूह को बोलते हैं, यानी कि मार है अपनी सारी बुराइयों के साथ, सारी सेना के साथ, ससेनंग, ससेनंग, ससेना का मतलब है सेना के साथ। महतिंग विजेतवा, महतिंग विजेतवा का मतलब है कि आदर और सत्कार के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करके, या बहुत अच्छे गौरवशाली तरीके से, दरअसल महतिंग का मतलब है गौरव तरीके से, विजेतवा यानी बहुत गौरव तरीके से उनको जीत कर, किनको, बुराइयों को जीत कर, जो बुराइयों की सेना थी उसको बहुत गौरवशाली तरीके से जीत कर क्या किया, संबोधि, संबोधिंग अधिगच्छि अनंत याणो, संबोधिंग अधिगच्छी, संबोधि माने होता है संपूर्ण ज्ञान, यानी संबोधि, सम माने पूरा और बोधि माने ज्ञान, संबोधिंग अधिगच्छति माने जो प्राप्त करता है। ये जो संबोधि शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। दरअसल अब चूंकि आप धम्म लिपि पढ़ने लगे हैं, आपने किताब मंगा ली है, या आप जो वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है आप उससे पढ़ रहे हैं और आपको आ रही है, तो आपने पत्थर पे लिखा हुआ देखा, क्योंकि पत्थर बोल रहे हैं। तो सम्राट अशोक ने अपनी यात्रा के दौरान में जो बौद्ध गया है वहां लिखवाया संबोधि, यानी वो जगह का नाम बौद्ध गया नहीं है, बौद्ध वहां से कभी नहीं गया, बोधि वहां से कभी नहीं गई। वहां लोगों ने जब धम्म को खत्म करने की कोशिश की, और खत्म करने के लिए उन्होंने ऐलान किया, तो कहा कि यहां से बोधि चली गई, तो बोध गया हो गया, उसका नाम संबोधि है, संबोधित यानी कि संबोधि स्थल, जैसे रट्ठ माने होता है राष्ट्र होता है, तो अट्ठ माने स्थल होता है, तो संबोधि, संबोधि अट्ठ, तो संबोधि अट्ठम हो गया, यानी संबोधि का स्थान है, तो वो संबोधि अधिगच्छति, यानी कि उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं। फिर कहता है आगे अनंत याणो, अनंत याणो का मतलब है अनलिमिटेड नॉलेज, यानी ज्ञान, अनंत ज्ञान, यानी अनंत ज्ञान वाले, अनंत ज्ञान वाले संबोधि को प्राप्त करते हैं। लोको तमो तंग परमामी बुद्धंग, लोकोत्तमो का मतलब है लोक में उत्तमो, यानी जो लोक में उत्तम है। लोक क्या है, लोक बार बार बताया जाता है कि संसार को लोक बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, मगर संसार का मतलब है सहसार, सहसार का मतलब है, स माने होता है निज स्वयं, और सार माने जो उसका सार है, एग्जिस्टेंस है, जो कंटेंट है, यानी मैं जो बैठा हुआ हूं, मेरा जो शरीर है ये सहसार है, निज का सार है, और जो शरीर से परे है वो परलोक है, यानी कि परलोक यानी शरीर से परे, तो लोक माने होता है बॉडी, शरीर,
संसार माने भी होता है स्वयं का बॉडी, स्वयं का शरीर। तो जो शरीरों में उत्तम है यानी अपने शरीर से उत्तम हो चुके हैं, सबसे अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया तो अपने शरीर में सारी बुराइयां निकाल दी। उनका शरीर सबसे उत्तम शरीर था, उसमें कोई बुराई नहीं थी, बिल्कुल भी, बिल्कुल प्योर थे वो, एक भी बुराई उनके ना वो आने देते थे। और सारी बुराइयां उन्होंने वहां मार जितनी भी थी वो सबको हरा दिया, निकाल दिया, सारी बुराइयां खत्म कर दी। तंग परमामी बुद्धं, तंग माने वह को उनको, और परमामी माने प्रणाम करता हूं, और बुद्धं माने बुद्ध को, यानी कि मैं उन बुद्ध को प्रणाम करता हूं, यानी ऐसे बुद्ध को प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं जिन्होंने शरीर से सारी बुराई निकाल के अपने शरीर को उत्तम बना लिया, लोकोत्तम हो गए, लोक में उत्तम हो गए, शरीर में उत्तम हो गए। ये इस पूरी की पूरी जो पाली पढ़ो रीडिंग है उसमें 9वां चैप्टर है। एक बार मैं इसको फिर पढ़ देता हूं, आप इसको बार 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 याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पचुपन्ना च ये बुद्धा, अहंग बंदामी सबदा। ये च धम्मा अतीता च, ये च धम्मा अनागता, पचुपन्ना च ये धम्मा, अहंग बंदामी सबदा। ये च संघा अतीता च, ये च संघा अनागता, पचुपन्ना च ये संघा, अहंग बंदामी सबदा। यो सन्निसिन्नो वरं बोधि मुले मारं ससेनं महतिं विजित्वा संबोधिं अधिगच्छि अनंत याणो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं। ये वंदना का एक भाग है। वंदना के अभी चार भाग और हैं, लगभग पांच भाग और हैं, वो मैं अगली वाली वीडियो में 10 नंबर की मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद। पाली पढ़ो भाग 9। यहाँ दरअसल हम आपको सिर्फ पाली को पढ़ना बता रहे हैं, क्योंकि पाली ही हिंदी है और हिंदी ही पाली है। अगर हिंदी में से थोड़े से जो संस्कारित शब्द हैं जो बाद में जुड़े हैं, शब्द हैं जैसे शय है, षटकोण वाला शय है, ज्ञानी है, त्रय है, या ऋषि वाला जो ऋषि आता है वो है, या जिसमें जो हलंत लगा हुआ है वो शब्द हैं, या जो आधा रह है, अगर आधा रह इसमें से निकल जाए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। और जैसे एकाध शब्द उसमें से हटाया गया, जैसे डे शब्द है ले और डे वाला जो मिला के बनता है, जो सोड़स करके बोलते हैं, वो उसमें जोड़ दिया जाए तो वो पाली ही शुद्ध पुरानी प्राकृतिक भाषा हो जाती है। पाली दरअसल नाम बहुत बाद में पड़ा है, उससे पहले इसके बहुत सारे नाम रहे हैं, जैसे कौसली है, मगधी है, या बुद्ध की भाषा है, या धम्म की भाषा है, या अशोक की भाषा है, या मगध की भाषा है, ये बहुत सारे नाम इसके होते होते होते, और ये वही भाषा जो उस समय बोली जाती थी वही भाषा आज भी बोली जाती है। बोलने वाली भाषा कभी नहीं बदलती, वो थोड़ा 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 मिक्स होकर स्वरूप को बदलती रहती है। तो जो बाहर के शब्द आए, जो बाहर के लोग आए, उन्होंने कुछ शब्द इसमें डाले और वो बदल गई। आज हम इसको हिंदी कहते हैं, हिंदी बड़ा नया नाम है, और पाली जो नाम है वो जब ये दोबारा से डिस्कवर हुई तो उसको पाली बोला गया। आप इसको पाली भी कह सकते हैं, आप इसको हिंदी भी कह सकते हैं। ये देवनागरी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट वही कह गए हैं जो देवनागरी है, यानी कि जो नाग लोग थे उन्होंने ये खोजी है, नाग लोगों ने, जो देवनाग थे उन्होंने ये बनाई है, यानी भारत के नाग लोगों की स्क्रिप्ट है। तो यहाँ जो हम आपको सिखा रहे हैं सिर्फ पढ़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि आप अगर पढ़ना सीख लेंगे और ये जान लेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी में इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें थोड़ा सा पाली के अंदर, क्योंकि शब्द को कई कई शब्दों को मिला के एक एक शब्द बनाया गया है, हैं बड़े सिंपल शब्द हैं और उसके मतलब भी बड़े आसान हैं। आप धीरे धीरे सीखेंगे। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है,
उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.